पढ़ेंगे कलाम में, जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं एक व्यक्ति ने पैसे से खरीदने की कोशिश की थी इस आत्मिक गुण को। आप जानते हैं आत्मा को वरदान को उसने कहा कि पैसा लेके कोशिश की पतरस के सामने लाके कि मैं ये पैसे देता हूँ और मुझे भी ऐसा वरदान दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूँ वो पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा को खरीदने की कोशिश, पैसे की कोशिश, बिजनेस की कोशिश। और बहुत ही दुखद बात है, आज भी यीशु मसीह के नाम को खरीदा और बेचा जाता है। बहुत ही दुखद बात, कड़वा सच। और सोच के कि ये ऑयल है ये खरीदेंगे तो हम चंगे होंगे, ये पानी है इसको खरीदेंगे तो हम चंगे होंगे, कहाँ ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैंने तुम्हें मुफ्त दिया, मुफ्त तुम सबको बांटो। फ्रीली आई रिसीव, फ्रीली आई गिव। मसीह का प्यार मुफ्त है, सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। उसकी चंगाई भी सबके लिए है, उसका जीवन भी सबके लिए है, उसका पवित्र आत्मा का वरदान भी सबके लिए है। अगर आप चाहते हैं, कोई नया विश्वासी आता है तो मसीही लोग उसको भ्रमित कर देते हैं अपने रीति रिवाज, अपने रूल्स रेगुलेशन बता बता के और अपनी दान पेटियां आगे कर करके। बहुत ही दुखद बात, बिजनेस बना के। परमेश्वर का वचन क्या है, मुफ्त सबके लिए है। परमेश्वर की चंगाई मुफ्त सबके लिए है, आनंद जीवन मुफ्त सबके लिए, सबके लिए भी और मुफ्त भी। कोई भी उस पर टैक्स लगा नहीं सकता कि मेरे से बात करने के लिए पहले इतने हजार रुपए दो तब मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं ऐसी बोतल दूंगा उससे चंगाई मिलेगी, ऐसा कपड़ा दूंगा उससे चंगाई मिलेगी, यरूशलम का कपड़ा दूंगा, वहाँ का दूंगा, पवित्र स्थान का दूंगा। मेहरबानी से माफ़ी दिए मुझे इस बात से कि मुझे बहुत ही कष्ट होता है ये बात से बहुत ज़्यादा, कि आप जब हम आप और हमें सतर्क रहें इन बात से। और प्रभु का वचन कहता है, कहाँ आपने बाइबल में पढ़ी है ऐसी बातें, क्या कहीं भी नहीं है। तो जब वचन हमारे लिए है, हमारे सामने है, गाइड है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो मनुष्य हमें भ्रमित ना करे, ना कर सके। इतने आप स्ट्रांग बन जाए कि मनुष्य आपको भ्रमित नहीं कर सके। सही कलीसिया में जाए जहाँ पवित्र आत्मा हो, एसी हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता, किस स्टैंडर्ड के लोग हैं नहीं फर्क पड़ता, बहुत अच्छे सिंगर को एयर वाले हैं नहीं, कितना बड़ा प्रचारक है नहीं, आत्मा वहाँ पर है या नहीं, उस आप कलीसिया में जाए। दूसरी बात, दूसरों के सामने मसीह हमें क्या कहता है, ऐसा बन जाओ कि तुम्हें देखकर मेरे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई हो। हमें देखकर हो रही है क्या बढ़ाई परमेश्वर की, ये भी जांच लें। अगर कोई मसीह में आ रहा है, अपना कुछ अच्छा कर रहा है, तो हम और आप कौन है उसकी पास्ट की बातों को निकालने वाले, जब यीशु मसीह ही कह रहा है कि मैंने तुम्हारे पापों का लेखा नहीं लूंगा, काली घटा के समान मिटा दिए हैं, उनका लेखा नहीं लूंगा। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नई हो गई। तो आप और हम इनकरेज करें उन लोगों को जो दुख में है, पाप में है, प्रेम की तलाश में है, धोखा खाए हुए लोग हैं, आंसू बहाए हुए लोग हैं, एकांत में है, सच्चे प्रेम की तलाश में है, उन्हें आप बताएं यीशु मसीह की मोहब्बत सब के लिए है, बिना शर्त की है, मुफ्त में है। हो सकता है कई बार कोई दुखी आत्मा आता है वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, शांति के लिए, और आप अपनी दान पेटी आगे कर दो या लंबे लंबे लिफाफे दे दो प्रिंटेड कि ये है, ये ऐसा है, वैसा है, मुझे चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, जबरदस्ती देने वालों से नहीं। हर्ष से आप कब देंगे, जब खुद ही हम चख लेंगे, जब हमें खुद पता चल गया मसीह की मोहब्बत यहाँ है, यहाँ पे खुदा का काम चल रहा है, तन से मन से धन से काम हम करते हैं। लेकिन उसको बिजनेस ना बनाएं, और कहीं चल रहा है बिजनेस तो ऐसी दुकानों को बंद करवा दें आप प्लीज़, और मसीह की सच्ची सामर्थ को, शक्ति को चखें भी और दूसरों तक चखाएं भी।